योग दर्शन भारतीय परंपरा अथवा वैदिक परंपरा कहना चाहिए, उसमें जो छह शास्त्र माने जाते हैं उनमें यह एक शास्त्र है और ये साधना पर है। इसका दर्शन पक्ष सांख्य दर्शन में जो छह दर्शनों में सबसे पहले है और योग दर्शन सबसे पीछे है। वैसे विषय वस्तु मीमांसा दर्शन की बहुत पहले है क्योंकि कर्मकांड बहुत पहले है, तो योग दर्शन का जो दार्शनिक पक्ष है वो सांख्य दर्शन में है और सांख्य दर्शन का इस समय प्रामाणिक शास्त्र श्री ईश्वर कृष्ण की रचना सांख्य कारिका नाम से है, जो 70 कारिकाओं में है। कारिका उन श्लोकों को कहते हैं जो व्याख्या स्वरूप हो। 70 कारिकाओं में सांख्य दर्शन का ठोस स्वरूप बता दिया गया है। कपिल जी महाराज का शास्त्र हष्टितंत्र ग्रंथ था जो बहुत पहले लुप्त हो चुका है, 2000 वर्ष के पूर्व ही लुप्त हो चुका है। उसी के आधार पर ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका 70 कारिकाओं में बनाया और योग दर्शन पतंजल महाराज ने साधना परक बनाया और ये ईसा के 100 वर्ष पूर्व की घटना है, इसकी भूमिका में ये सब मैंने लिखा। तो सांख्य दर्शन का दार्शनिक पक्ष सांख्य कारिका में है और साधनात्मक पक्ष योग दर्शन में है। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की रचना है और योग दर्शन पतंजल महाराज, साधनात्मक पक्ष योग दर्शन में है। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की रचना है और योग दर्शन पतंजल महाराज की रचना है। पतंजल महाराज ने इसमें पहला सूत्र कहा है अथ योगानुशासनम, अथ योग अनुशासनम, चार पद मिला करके सूत्र बना है। शास्त्रों के सूत्र छोटे छोटे होते हैं। अथ योग अनुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथ कहते हैं अब को, अथ अब आरंभ, अथ मंगल सूचक भी माना जाता है। इसके भाष में सब विवरण दे दिया गया है। अथ और इति ये दो शब्द हैं, अथ शुरू के लिए है, इति आखिर के लिए है। इस शास्त्र के प्रथम सूत्र में अथ है और इस शास्त्र का जो अंतिम सूत्र है उसमें इति है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिपर्श्व कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्त शक्तिरिति, ये अंतिम है। पुरुषार्थ शून्य हो गया जिसका, जीवन का लक्ष्य मिल गया, गुण प्रकृति में लीन हो गए, स्वरूप स्थित हो गई, चेतन सत्ता मात्र रह गई, इसके बाद इत कर दिया तो अथ शुरू। योग, योग का सामान्य अर्थ है जोड़ना, लेकिन योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ है तोड़ना। इसी पर मुग्ध होकर के राजा भोज ने लिखा है पतंजल मुनि रूपति काप्य पूर्वा जयत सौ पुंस प्रकृत वियोगो योग उत्तुदतो यजा। पतंजल महाराज के योग दर्शन की जय हो जिसमें उन्होंने प्रकृत पुरुष के वियोग को भी योग कहा है।
योग का सामान्य अर्थ जोड़ना, लेकिन पतंजलि महाराज कहते नहीं तोड़ना अर्थ, योग है तोड़ना, प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है इसको तोड़ दो, माया और जीव का जो संबंध है इसको तोड़ दो, जड़ चेतन का संबंध तोड़ दो, अपने आप कृतार्थ हो जाओ। जो ध्यान किया जाता है, योग किया जाता है, उसमें क्या है, चित्त समेट लो, संसार छोड़ दो। चित्त से हम जब काम करते हैं संसार सामने होता है, चित्त को लीन कर देते हैं संसार हमारे लिए खो जाता है। संसार से उपराम हो जाना योग दर्शन का अर्थ है। अथ योग अनुशासनम, अनुनाम पीछे, वह पीछे इसलिए कहते हैं कि इसके पहले से योग रहा है। और शासनम का अर्थ है शिक्षा, उपदेश। जो योग पहले से चला आ रहा है उसी को पीछे से मैं फिर से कह रहा हूं, ये उन्होंने स्वीकृत थी, वास्तविकता थी। इसमें विनम्रता भी है, वास्तविकता भी है, वास्तविकता को स्वीकारना ही चाहिए। सत्य को ये मान लेना किसी एक व्यक्ति द्वारा उपरवर्तित है, प्रेरित है, गलत है। सत्य अनादि है और उसके चिंतन मनन करने वाले सदा से रहे हैं, इसलिए सत्य का कोई एक मुखिया नहीं है। योग का अभ्यास पूरा काल से चलता रहा है। ऋग्वेद भारत का तो पुराना ग्रंथ ही है, विश्व का पुराना ग्रंथ है, उसमें एक मंत्र आया है, उपहवरे गिरीणाम संगति चा नदीनाम धियो विप्रा अजायत, जो इसमें दिया गया है। उपहवरे गिरीणाम, गिरीणाम पर्वतों के उपहवरे किनारे निकट, और संगथे चा नदीनाम, और नदियों के संगत संगम में, इसी को जब अथर्ववेद में लिखा गया तो संगमे हो गया, इसमें संगथे बात वही है कि नदियों के संगम पर धियो विप्रा अजायत, विप्र लोग धी बुद्धि को प्राप्त करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अजायत का मतलब उत्पन्न होना, प्राप्त होना, अर्थ है कि शुद्ध करते हैं। विप्र का अर्थ होता है विद्वान। कई बार कहा गया है कि ब्रह्म वेद के मंत्रों को कहते हैं, जो वेद के मंत्रों की का रचयिता हो, उसका उच्चारण करे, पाठ करे, उसको ब्राह्मण कहते थे। इसलिए कोई रोक टोक नहीं था, जो वैसा हो जाए उसी को ब्राह्मण कहते थे। ऐसे विप्र का अर्थ भी है विद्वान। तो जो विद्वान है, समझदार है, विद्वान भी पहले वो किताब पढ़ने वाला विद्वान नहीं माना जाता था, किताब किताब थी ही नहीं, मेधा है, विवेक है, विचार है, साधना में चलता है, आध्यात्मिक पंथ में चलता है, उसको विप्र कहा जाता था। धियो विप्रा जाए, विद्वान लोग नदियों के संगम पर, पर्वतों के किनारे बुद्धि को शुद्ध करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी उस समय भी साधक ऐसे थे जो एकांत में बैठ करके साधना करते थे। और इतना ही नहीं, ये भी कहलवाया गया है मुनयो वात रसना पिशंगा वस्तीमला वातस्यानु धाज्रिम यन्ति यद देवासो अविक्षत। वात रसना के वंशज मुनि लोग पीले और मैले वस्त्र धारण करते हैं। मुनि और ऋष में फर्क है। ऋष प्रायः देवताओं की प्रार्थना में, प्राकृतिक शक्तियों को देवता मान करके उनकी प्रार्थना में सूक्त मंत्र कहते थे, आह्वान इत्यादि करते थे, सदाचारी वो भी होते थे,
लेकिन मुनि का स्तर ऊंचा होता था। मुनि ये सब में नहीं पढ़ते थे, वे साधक होते थे, सन्यासी होते थे, त्यागी होते थे, मस्त होते थे। इसलिए पीले वस्त्र पहनते थे, मैले वस्त्र पहनते थे। मैलिक मतलब है कि वो उस समय वृक्षों के छाल का रंग निकाल करके कपड़े में रंग लेने का प्रचलन हो गया था, इसीलिए उसको कसाय वस्त्र कहते हैं। कसाय वृक्ष के छाल के रंग को निकाल लेना, वो कसाय है, उसमें रंग लेना वो कसाय। तो सोडा साबुन उस समय कहाँ था, और जंगल में रहना, मिट्टी में रहना, लग जाता है सफ़ेद कपड़ा, जल्दी से गंदा दिखता है, और रंग लिए तो उसमें कम दिखता है। तो इस प्रकार मैले वस्त्र, पीले वस्त्र पहनते थे। और जब वे देवत्व प्राप्त करते थे तो वायगत को प्राप्त करते थे। यद देवासो अभिक्षत वातस्यान ध्राजिम्यान यंत। जब वे देवत्व को प्राप्त करते थे तो वे वात में स्थित होते थे, वायु में स्थित होते थे। शायद प्राणायाम का यह अर्थ हो कि प्राणायाम प्रक्रिया में चलते थे। उन्मदिता मौनेन वादाम आ इषिताम वयम शरीर अस्माकम यूयम मर्तासो अभि पश्यत। वे स्वयं कहते, प्रथम पुरुष की क्रिया के रूप में मुनि कहते हैं, हम उन्मादी जैसे हैं, मौन है और वायु में स्थित है। अरे लोगों, तुम लोग मेरे शरीर को देखते हो। शरीर एदम अस्माकम, शरीर शरीरेद अस्माकम यूयम, तुम मेरे शरीर को देखते हो और मेरी स्थिति को तुम नहीं जानते हो। तो मतलब है कि वो बताते होंगे, भाई तुम मेरे शरीर के देख रहे हो, जैसे तुम खाते पीते हो, मैं खाता पीता हूं, लेकिन मेरी स्थिति बिल्कुल अलग। तो मौन रहना, उन्मदिताम यानी एक उन्मत्त मस्ताना ढंग से रहना, जैसे सूफी संत रहते रहे और रहते हैं, और भारतीय परंपरा में भी सन्यासियों में कुछ ऐसे रहते हैं। पारखियों ने नहीं सोचा, पारखियों ने कहा विवेक पूर्वक शांत रहना चाहिए। तो इस प्रकार योग की प्रक्रिया बहुत पुरा काल से, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में भी समाधि की मुद्राओं में मूर्तियां मिली जो वैदिक परंपरा के पहले मानी जाती है, अथवा न पहले हों तो भी वैदिक परंपरा से हट करके उसको माना जाता है। तो इसलिए योग का मार्ग पुराना है। कपिल जी बहुत पुराने हैं, महायोगी थे। सांख्य योगादि गम्यम, जो सत्य है वो सांख्य और योग से प्राप्त होता है, ये श्वेतासतर उपनिषद में कहा गया है। सिद्धानाम कपिलो मुनि, गीता में कहा गया मैं सिद्धों में कपिल हूं। ऋषिम पुरुषोत्तम कपिलन यस्तमग्रे, श्वेतासतर उपनिषद में कहा गया कि प्रथम ऋषि कपिल हुए हैं। दशान में एकम कपिलम समानम, ये ऋग्वेद में है, दशों में कपिल समान है। और कपिल का अर्थ सायण ने भी उस मुनि को ही माना है जो कपिल ऋषि, कपिल मुनि हुए हैं, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता हुए हैं। एकम मुख्यम कपिलम एतन नामानम तम प्रसिद्धम ऋषिम, ये सायण भाष्य करते हैं कि जो एक मुख्य कपिल है ये प्रसिद्ध ऋषि। तो वे भी अर्थ मानते हैं कि जो ये ऋग्वेद में कपिल शब्द आया है उसी कपिल के लिए है जो प्रसिद्ध ऋषि है। और योगी थे, वो आडम्बर विहीन थे, न ईश्वर मानते थे, न देवता मानते थे, न अवतार मानते थे, न कोई टोटका मानते थे, शुद्ध आत्मज्ञान। इसलिए योग मार्ग बहुत पुराना है, आत्मज्ञान। अब जैसे कि ये निरुक्त में यास मुनि कहते हैं कि ये अर्थ कर्मकांडी मानते हैं,
और ये अर्थ ऐतिहासिक मानते हैं और ये अर्थ अमुक मानते हैं, लेकिन जो आत्मवादी हैं वो ये अर्थ मानते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा बदन्ते, तो उसमें कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन आत्मवादी मानते आत्मा ही श्रेष्ठ है इस देह में। तो आत्मवादी यास मुनि कई बार कहते आत्मवादी ये अर्थ मानते हैं, ऋषि तो सात ऋषि हैं, तो आत्मवादी कहते हैं ये जो इंद्रियां और मन बुद्धि यही सात ऋषि हैं। तो इस प्रकार चिंतनशील जो आत्मा परक विचार करने वाले थे ये वैदिक युग में ही थे और बढ़ता रहा है। इसलिए पतंजल महाराज कहते हैं अथ योगानुशासनम, अथ अब योग चित्तवृत्ति निरोध रूपी जो योग है उसका अनुनाम पीछे से शासनम उपदेश करने जा रहा हूं। दूसरा सूत्र उनका है योगश्चित वृत्ति निरोध, इसमें भी चार पद है, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है ये प्रश्न हो सकता है, तो कहते हैं चित्त वृत्ति का निरोध योग है, चित्त की जो वृत्तियां हैं ये शांत हो जाए इसी को योग कहते हैं। कितना सरल स्वरूप वर्णित है, कोई आडंबर नहीं। चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त का लपेट, चित्त का घेरा, चित्त का भंवर, यही वृत्ति है, और शांत हो जाए बस यही चित्त वृत्ति का निरोध है, यही योग है। कोई जी जान से लगे सुबह होगा चित्त, लगना चाहिए हर साधक को, जो समझ पाए जो मुमुक्ष हो ये समझना चाहिए कि जीवन का फल क्या है, जन्म लिए हो सब सोच सकते हैं, माता के गर्भ में कचड़े में पड़ा रहना पड़ा इतने दिन, पैदा होने के बाद टट्टी पेशाब में कें कें करते रहे, थोड़ा सा बड़े हुए खेले खाए उसमें भय, हर जगह कौवा का भी भय, हर जानवर का भय, पढ़े लिखे उसमें संताप, पढ़ाई लिखाई बच्चे मन नहीं लगता, थोड़ा बड़ा होता तब लगता है, उसके आगे बढ़े तो धन दौलत कमाने की चिंता, दुनिया का चक्कर, और सुबह से शाम तक टट्टी पेशाब मंजन स्नान खाना पीना ये वो काम धंधा, ये करो वो करो, ये सब किस लिए है, मार रगड़ाई रगड़ाई जीवन भर नाक रगड़ो किस लिए, फल क्या है, कुछ नहीं फल, बस रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ, घर में सड़े निकले, जीवन भर रगड़ रहे हो रगड़ रहे हो रगड़ रहे हो, कुछ फल नहीं। इसका फल है परम शांत मुक्त जीवन व्यतीत करना, इसका फल है शरीर धारण करना, और शरीर धारण करके खाना पीना सोना जागना काम धंधा करना दौड़ना धूपना, ये सब तब सार्थक है जब चित्त शांत हो, मुक्त जीवन जिए, दुख रहित निर्भय सुखी जीवन, और ये तब होगा जब अपने मन को सुबस किया जाए, भोगों में संतोष, जो निरर्थक भोग है उनका सर्वथा त्याग, और जो शरीर रक्षण के लिए है उनमें संतोष, थोड़े में गुजर करने की प्रवृत्ति, किसी से लाग डांट नहीं, सबसे निवृत्त, सबकी सेवा सद्भावना, सबके साथ सुंदर व्यवहार, और सबसे निष्काम मीठे वचन सुंदर बर्ताव शील से रहना, और सबसे निराश हो जाना सबसे निष्काम हो जाना, ये जीवन मुक्ति का आनंद जीवन का फल है, नहीं तो बस नाक रगड़ना और कुछ फल नहीं। जन्म से लेके मृत्यु तक नाक रगड़ते रगड़ते मर गए कुछ न पाए, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो चाहे गुरु हो चाहे मानत हो, भागते 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 नाक रगड़ते रगड़ते मर गए क्या पाए। जो मुक्त होकर के जीता है उसका जीवन सार्थक है, और इसके लिए चित्तवृत्ति का निरोध अत्यंत आवश्यक है। चित्तवृत्ति का निरोध करोगे तो संयम बढ़ेगा, व्यवहार में संयम बढ़ेगा,
व्यवहार में संयम बढ़ेगा तो चित्तवृत्ति निरोध और होगा, योगस चित्तवृत्ति निरोधा। जब चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाएगा तब क्या होगा? चित्त की वृत्तियां चलती हैं, ये सोचे वो सोचे वो सोचे, वृत्तियां चलती चली जाती हैं, और मान ली वृत्तियां शांत हो गई तब क्या होगा? तब ऋषि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा तब, दृष्टु दृष्टा की, स्वरूपे अवस्थानम, स्व अपने रूप पदार्थ में अवस्थानम स्थित हो जाती है। जब वृत्ति शांत हो गई तब दृष्टा की अपने रूप में स्थित हो जाती है। कितनी सरल व्याख्या, कितना सरल कथन है, कोई संप्रदाय इसमें नहीं। वृत्तियां हमें संसार में जोड़ती हैं, वृत्तियां शांत हो गई बस अपने आप रह गए। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, पहला सूत्र प्रतिज्ञा है, दूसरा सूत्र योग की परिभाषा है, तीसरा योग सूत्र योग का फल है। वस्तुतः दो ही सूत्र में पूरा योग दर्शन कह दिया गया, अर्थ योगान शासनम, तो प्रतिज्ञा मात्र है। योगश्चित वृत्ति निरोध तथा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम, ये दो सूत्रों में पूरा योग दर्शन कह दिया गया। अब रह गया फिर इतना क्यों कहा गया, 195 सूत्र हैं तो 193 क्यों कहा गया? बार बार समझाना पड़ता, उसमें कुछ सूत्र फादिल भी हैं विभूतिपाद के, जो लंबी चौड़ी बात है उसका निर्णय कर दिया गया है, फिर भी किसी बात को समझाने के लिए बारंबार कहना पड़ता है। तो और वास्तव में योग दर्शन पूरा ये दो सूत्र में है। योगश्चित वृत्ति निरोध, योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का शांत हो जाना, और उसका फल है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने रूप में स्थित हो जाती है। जब अपने रूप में स्थित नहीं होती है और चित्त वृत्ति चलती है तब क्या रहता है? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र दूसरे समय में वृत्त सारूप्यम, वृत्ति का रूप वाला मनुष्य होता है। जैसी वृत्ति होती है वैसे अपने को महसूस करता है। काम की वृत्ति आई तो व्यक्ति समझता है मैं काममय हूं, क्रोध की वृत्ति आई तो समझता है मैं क्रोधमय हूं, मोह की वृत्ति आई तो समझता है मैं मोहमय हूं, दुख की वृत्ति आई तो समझता है मैं दुखमय हूं। जो वृत्ति आती है वैसे उसे अपना स्वरूप भासता है। जैसे एक स्फटिक शिला हो या दर्पण, मान लो दर्पण बहुत साधारण उदाहरण, सबके घर में दर्पण होता है। दर्पण के सामने लाल रंग या कोई रंग का फूल रखा है तो फूल सामने होने से दर्पण लाल रंग का भासता है, और फूल हटा दो तो दर्पण में लाल रंग नहीं है, वो शुद्ध है। इसी प्रकार हमारी बुद्धिवृत्ति में संसार प्रतिबिंबित होता है, इसलिए हम वही वही अपना रूप मानने लगते हैं। वृत्तियों, वृत्तियां जब चलती हैं सामने तो वृत्तियों में जो कुछ प्रतिबिंबित होता वही अपना रूप प्रतीत होने लगता है, और वृत्तियां शांत हो गई तो प्रतिबिंब शांत हो गया। जब वृत्ति ही नहीं तो प्रतिबिंब कहां, तो अपने आप रहा। लेकिन जब योग नहीं रहा और वृत्ति चलती रही तो वृत्ति के स्वरूप वाला ये जीव हो जाता है। जैसे जैसे वृत्ति उठती है वैसे वैसे वो अपना रूप मानने लगता है। ये भी कितना मार्मिक है। जब जब जो वृत्ति आती है आदमी वही वही रूप हो जाता है, इसीलिए सब दुखी रहते हैं, वृत्तियों में डूबे डूबे डूबे। योग दर्शन, योग साधन यही है कि वृत्तियों को काटो,
वृत्तियों की दृष्टा हो, वृत्तियों को शांत करो, वृत्तियां शांत हो जाएं, बस मगन अपने आप में स्थित। जब ये अभ्यास बढ़ जाता है तो व्यवहार में भी कोई काम धंधा करते हुए वृत्ति का साक्षी इंसान बना रहता है। अगर मन में कोई हलचल आई तो तो वृत्ति है, मैं थोड़े हूं, ये सच थोड़े है, ये तो वृत्त की हलचल है। जब वृत्त में कुछ बात आती है तो लगता है कि ये सच है, लेकिन वो सच नहीं रहती है, एक मन का उद्वेग रहता है। कई बार हमारे मन में कोई आंदोलन आता है तो लगता है परम सच है, पीछे से लगता है तो झूठ रहा, हमारे मन का उद्वेग था, हमारे मन की कमजोरी थी, जो हमने इतना मान लिया था ऐसा कुछ था नहीं। मन के गर्दा गुब्बार में, मन के कुहासे में, मन के बादल में इंसान घिरा हुआ द्वंद्व ग्रसित रहता है। केवल अपने मन को छांटने, काटने, सुधारने, संवारने वाला आदमी जीवन में सुखी रहता है, और अपने मन के बादल को जो नहीं छांट पाता है, मन के गर्दा गुब्बार को नहीं शांत कर पाता है, वो सब समय दुखी रहता है। इसलिए ऋषि कहते हैं अगर तुम अपनी चित्तवृत्ति का निरोध न करोगे, इतरत्र दूसरे समय में वृत्त सारूप्यम, वृत्त के रूप वाले रहोगे, माने रहोगे यही मैं हूं, जो मन में आएगा वही समझोगे मेरा स्वरूप है, इसलिए पीड़ित रहोगे, तो वृत्त को अलग समझो। वृत्त को अलग समझ लेना ही एक बोझा उतर जाना है, मानो वृत्ति आती भी है तो भी ये समझते हो कि ये वृत्ति में नहीं, तो बोझा हल्का हो गया। और अभ्यास करते करते जब सूक्ष्मता बढ़ जाती है, इसी दशा आ जाती है कि कुछ समय वृत्ति शांत है तो फिर क्या पूछना, दिव्य स्थित है। और जब चित्त चलता भी है तो चित्त में कोई गांठ नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, सच्ची समझ है, ऐ समझा जाता है ये वृत्ति मेरे स्वरूप में नहीं है, तो वृत्त में उद्वेग नहीं आता है। और कदाच कुछ आ जाए तो समझ में आ जाती है बात कि ये तो मैं हूं नहीं, तो अलग थलग हो जाता है, शांत उसके चित्त में बनी रहती है। ये पूरे जीवन की नगिर्री का फल, नगिर्री नाक को रगड़ना, सब देहधारी जीवन भर नाक रगड़ रगड़ के मरते, कुछ पाते नहीं, चाहे कोई बहुत बड़े अफसर के बहुत बड़ा अफसर हो और बहुत बड़े पद पर हो, जो कुछ भी कह लो, सब नाक रगड़ रगड़ के मरते हैं। बड़े विद्वान हैं, बड़े अफसर हैं, बड़े धनवान हैं, सब नाक रगड़ रगड़ के मरते हैं। ये जीवन की नगिर्री का फल होना चाहिए मुक्त हो जाना। नगिर्री तो करनी पड़ेगी, सुबह उठो टट्टी जाना पड़ेगा, मंजन करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, और भी काम करना पड़ेगी, तो देह के लिए जो जरूरी वो मैंने कहा, न खाओ तो चलेगा नहीं। अब सब खाएं और तुम्हें भोजन न दे तो कितना कुपित हो जाओगे, खाने की जरूरी है, खाओ और निकालो उसको, गर्मी लगे परेशान हो, ठंडी लगे परेशान हो, कपड़ा क्या जरूरत, ठंडी गर्मी लगती है, मजबूरी है। ये सब नगिर्री, जीवन भर नगिर्री नाक रगड़ना, और नाक रगड़ते रगड़ते दुख में मर गए, क्या पाए, बड़े विद्वान, बड़े धनवान, क्या पाए, बड़े ज्ञानी, ये नगिर्री का पर होना चाहिए, मुक्त हो जाना, जीवन मुक्त। मेहनत तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ये जीवन को घसीटना पड़ेगा, लेकिन जब जीवन में मुक्ति रहती है तो घसीटना नहीं लगता, सदैव मुक्त कृतार्थ, अलग थलग, अपना मन निर्मल। इसलिए सबको योग करना चाहिए।